So, all right. Hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you're watching your own channel. So guys, finally हमारी जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड की वैकेंट सीट्स की लिस्ट अब आउट हो चुकी है, तो आप जैक दिल्ली के नोटिसेस में जाके चेक कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सीट्स इस बार वैकेंट आई है। मतलब NSUT मेन कैंपस, DTU, इन सब की बायोटेक की 8-10 सीटें खाली है फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज में तो और ज़्यादा है, बट जनरल में ही 10-12 सीटें खाली है। इसका मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो जाए, अगर आपकी रैंक 1.5-2-2.5 लाख भी है। मतलब चलो 2.5 लाख तो ज़्यादा हो जाती है, बट 2 लाख तक आपको मेन कैंपस मिलने के चांसेस हैं। तो एक बार आना, ट्राई ज़रूर करना। ज़्यादा ही ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, बट लेकिन रिग्रेट रहेगा लाइफ टाइम अगर कट ऑफ आपकी रैंक से भी पीछे तक चली गई तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ट्राई करना। 2nd, 3rd, 4th को हमारा स्पॉट राउंड होना है। कोई भी अगर स्पॉट राउंड रिलेटेड डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी। पहले ही मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल वही है जिनको अभी तक एक भी सीट अलॉट नहीं हुई। मतलब समझ लो, या तो अलॉट, मतलब एट द एंड अगर आपके पास सीट नहीं है, ठीक है, आपने कोई सीट अपनी फ्रीज नहीं कर रखी, फिक्स नहीं कर रखी, मतलब आपके पास है ही नहीं कोई सीट, तो आप फिर एलिजिबल है। आप जाइए स्पॉट राउंड में तो आपको सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपके पास पहले से ही कोई सीट थी और आप स्पॉट राउंड में पहुंच गए फिजिकली कि अब हमें ये सीट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले अभी विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि रिफंड वापस आएगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिनके पास सीट है आपको फ्लोट पे छोड़ना है। बेस्ट पॉसिबल आपकी जो चॉइस फिलिंग थी ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी स्पॉट राउंड के ड्यूरिंग, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट सीट आपको मिल जाएगी। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप ये सीट छोड़ो स्पॉट राउंड में चले जाओ ये देख के, ये मत करना ये गलती। आपको अपग्रेड के लिए बस अपना फ्लोट पे छोड़ देना और फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना। अब जिनको फिजिकली रिपोर्ट करना है उनकी बात कर लेते हैं। बेसिकली सबके ये बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे डिमांड ड्राफ्ट रिलेटेड। अब देखो, मैंने वहाँ पे जाके खुद पता करा, क्योंकि मेरे ही कॉलेज है ऑफ कोर्स, तो मैं मतलब थोड़ी है वहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसमें थोड़ा एरर है। आप ना बस आपका मेन क्या है, किस नाम से DD बनना चाहिए, जैक दिल्ली 2023 एडमिशन फ़ी के नाम से, जो कि आपके ब्राउचर में गिवन है, जो कि आपके शेड्यूल में गिवन है, ठीक है, उसी नाम से आपका होना चाहिए। बाकी आप पेबल एट किसी भी बैंक तक बनवा सकते हैं, मतलब कि कहीं से भी बनवा सकते हैं किसी भी चीज़ का। बस आपका किस नाम से होना चाहिए, जैक दिल्ली 2023 एडमिशन फ़ी के नाम से, बाकी सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे सारे फैकल्टीज़ भी काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैंक में भी आप एक बार जाके ये चीज़ उनको दिखाना, उनसे एक बार क्लैरिफाई करना, तभी आप फिर आगे फर्दर प्रोसीड करना। बट जितना मैंने पूछा, जितना मेरे को पता चला, जितना मैंने पढ़ा और लोगों से पूछा, तो उसका यही मतलब बनता है कि आपको DD इस नाम से बनवाना है, वो किसी भी बैंक से बनवा सकते हो आप जाके, ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो ये डाउट क्लियर हो गया। प्लस बहुत डाउट ये आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे ले जाने, तो वो जो मैंने एक डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो वैसे वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो और लेके आ जाओ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं अपने। तो देखो, सबसे पहले तो DSU। अब DSU में यार काफ़ी सीट्स वेकेंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं EC में, OB, GND। देखो, अपनी कैटेगरी बहुत ध्यान से देखना। कैटेगरी का कॉलम आपको जैक दिल्ली में किसी ब्राउचर में मिल जाएगा कि किस कैटेगरी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ऐसे जैसे अब जनरल के लिए क्या है, GN GND, इसका मतलब जनरल दिल्ली, और जो जनरल आउटसाइड दिल्ली है उनका GN GNO, इसका मतलब आउटसाइड दिल्ली जनरल कैटेगरी। तो ये कैटेगरी बहुत ध्यान से देख के एक बार अपनी सीट को देखना। तो जैसे GN GD में आप जैसे CSE देख सकते हो, 2 सीटें खाली है। फिर आप मैकेनिकल में देख सकते हो 25 सीट्स खाली है। इसका मतलब अगर आपकी रैंक 3-5 लाख भी है ना, तो भी आपको DSU कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और DSU की अब वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई पहले से, क्योंकि अब ये जैक दिल्ली के अंडर आता है, इसकी कट ऑफ आई जाती है, मतलब इसका वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वो कॉलेज उतना ही जल्दी ग्रो करता है। देखो, सारा डिपेंड करता, देखो कॉलेज ना, चलो कॉलेज का भी होता है थोड़ा कंट्रीब्यूशन, बट लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ के स्टूडेंट्स का। जैसा स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे, जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट बनाएंगे,
वैसे ही कॉलेज की रेपुटेशन इंक्रीज होती है, समझ रहे हो। तो DSU की भी अब काफ़ी इंक्रीज होने लगी, तब वैकेंसी देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंट सीट्स है ना, मान लो 2 को हमारा SC ST का है, अब कुछ सीट्स एट द डे, मतलब डे एंड तक आपकी कुछ सीट्स वैकेंट रह गई SC ST में भी, तो अगले दिन OBC में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जनरल को हमेशा लास्ट डे रखा जाता है, ताकि जितनी भी कैटेगरीज थी, जब उनके राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में जनरल कैटेगरी में सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी जो वैकेंट होंगी, समझ लो। मान लेते हैं OBC में 4 सीट वैकेंट थी, बायोटेक में 2 ही कैंडिडेट्स आए और उनको अलॉट हो गई, बट 2 सीट्स अभी वैकेंट रह गई, तो वो अगले दिन जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए लास्ट में हमेशा जनरल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद DTU, भाई DTU में देखो कितनी सारी सीट्स वैकेंट है। अब डिफरेंट कैटेगरीज में तो है, बट लेकिन जनरल में भी आप देख सकते हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में 13, बायोटेक में 7, फिर वहीं अगर आउटसाइड दिल्ली भी देखो तो 4 फॉर बायोटेक, फिर मैकेनिकल जैसी ब्रांच जो कि DTU के लिए, मतलब DTU टॉप 5 में आते हैं एशिया में फॉर मैकेनिकल, तो उसमें भी आप देखो 4 सीटें खाली है जनरल के लिए। सिविल में भी आपकी 6 सीटें खाली है, इलेक्ट्रिकल में भी 4 सीटें खाली है। भाई इलेक्ट्रिकल को तो सारी कंपनीज अलाउ करती है, समझ लो, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अलाउ करती है, उसमें भी 4 सीटें खाली है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 5 सीटें खाली है, केमिकल में 4 सीटें हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार जाना ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा आपका एडमिशन, ठीक है, बट जाके एक बार ट्राई ज़रूर करना, ओके। फिर बाकी IGDTW देखते हैं। IGDTW में अगर हम जनरल कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली की बात करें, IT में खाली हैं 4 सीटें, मैकेनिकल में खाली हैं 6 सीटें, ECE में खाली है 2 सीटें, देख रहे हैं कितनी सारी सीट्स वेकेंट है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम NSUT की बात करें, तो NSUT में भी बायोटेक की हमारी 12 सीटें खाली हैं। वेस्ट कैंपस में आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की 20 सीटें, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 20 सीटें। भाई आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार, इसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। बहुत सीटें वेकेंट आई है इस बार, ठीक है, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आई है बहुत सारी। फिर अगर हम भाई आउटसाइड दिल्ली की अगर बात करें, देखो इस बार क्या है ना, NSUT में 20% गर्ल कोटा भी लगता है, गर्ल्स की एक अलग रिजर्वेशन है, तो गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर वो जनरल भी है ना, तो भी उनको थोड़ी कम रैंक पे एडमिशन मिल जाता है। अगर मान लो बायोटेक की कट ऑफ 110,000 है फॉर जनरल सबके लिए, बट वहीं गर्ल कैंडिडेट के लिए 130,000-140,000 तक चली जाती है। तो जो गर्ल इस वीडियो को देख रही है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बार आके ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। वहीं IIIT दिल्ली, देखो इसमें तो ज़्यादा कोई सीट छोड़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वही जाते हैं और सीट फिक्स कर लेते हैं, तो इसमें तो ज़्यादा सीट वेकेंट नहीं है। बस जनरल आउटसाइड दिल्ली के लिए 3 सीटें वेकेंट है इन EVE ब्रांच, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा देखो ओवरव्यू हमारी वेकेंट सीट्स का, बाकी आप खुद PDF भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कॉमन डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए कि DD का क्या है सीन। फिर आपको देखो सबको ये लग रहा है कि वहाँ पे कोई फीस लगनी है स्पॉट राउंड की, स्पॉट राउंड की कोई फीस नहीं लगनी, जो पहले ही कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे जैक दिल्ली में वो सब एलिजिबल है और फ्री में आपका, ठीक है। आपको बस आना है, मतलब देखो टाइम से थोड़ा पहले आना, मतलब आधा एक घंटा पहले आना, ताकि आप अपना रजिस्टर वगैरह कर लो वहाँ पहुँच के, ठीक है। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको खुद फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, आप किसी और को अपने बिहाफ पे नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ी बहुत चीज़ों का, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लाना, DD हमें वहाँ इमीजिएटली देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ इमीजिएटली शो करने पड़ते हैं, नहीं करते तो वो एकदम से सीट कैंसिल कर सकते हैं। और अपने टाइम स्लॉट में आना, जो टाइम स्लॉट गिवन है, मैंने शेड्यूल को भी अच्छे से डिस्कस करा, वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो टाइम से भी ज़रा ऊपर आए, किसी और कैटेगरी का स्टार्ट हो गया, तो फिर आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे, आपको कहेंगे अब सीट ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे प्रोसीजर हमारा 4 तारीख तक चलेगा, कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। बाकी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, कल भी वीडियो बनाऊंगा, डेली अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा कि कितनी सीट्स, देखो क्योंकि डेली कन्वर्ट होती रहेंगी ना,
जैसे कल का दिन निकल गया तो परसों एक नई लिस्ट आएगी मोस्ट प्रोबेबली कि इतनी सीट्स वेकेंट रह गई, अब वो कन्वर्टेड सीट्स दिखाएंगे, तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ओके, कोई देखो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें, होता है तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अभी आईपीयू भी है हमारा, वहाँ भी आप ट्राई करें, ठीक है। बट यहाँ ज़रूर ट्राई करना, होप्स लूज मत करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपको वहाँ भी देता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।